हेलो फ्रेंड्स, आज गाजर का हलवा बनेगा बिना कद्दूकस किए और बिना घी के। तो इधर मैंने ले लिया है गाजर और अब मैं इसके कट कर लूँगी और इसको जो ऊपर से छीलते हैं उसको छीलने के बाद इसको छोटा छोटा सा पतला पतला सा कट करने के बाद ये देखिए कैसे कट किया है मैंने। इसी तरीके से आप भी और भी पतला कट करके वॉश करके इसको, बस इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसको कुकर में रख देना है। और ये देखिए ये मतलब कितने अच्छे से पक चुका है गाजर। तो अब बस हम इसको एक कलछी की सहायता से इसको अच्छे से घोट लेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप सब भी ऐसे ही करना। और ये देखिए कितना मतलब अच्छे से ये ना मैश हो चुका है और मतलब इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखना कि इसका पानी भी कितना ड्राई, मतलब ये कितना ड्राई हो जाएगा। तो इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने मीठे के अकॉर्डिंग मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी और खोया ऐड कर दिया है मैंने, ये जो कि बिना घी के बना हुआ है। तो बस खोया ऐड करते ही मैंने इसे अच्छे से बहुत देर तक हाई फ्लेम पर पकाया है। तो अब देख सकते हैं साइड साइड से ये कितना ड्राई हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसको सबको मिक्स कर दिया है और देखिए कितना ही यम्मी लग रहा है ना। जिस जिसको गाजर का हलवा पसंद होगा ना, तो सच में वो इस तरीके से तो बनाना ज़रूर ही पसंद करेगा। तो देखिए साइड साइड में कितना ड्राई ड्राई सा हो गया। तो ये मेरा गाजर का हलवा बनके हो गया है तैयार, सो यम्मी। तो यहाँ पे ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, आपके मुँह में आ रहा है ना देखते पानी, मुझे तो आ रहा है वीडियो बनाते हुए भी। तो काफ़ी यम्मी यम्मी सब बन चुका है ये, तो आप लोग भी खा लीजिए और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। ये रहा गाजर का हलवा बनके तैयार। बाय बाय।